गोवर्धन एसडीएम के पेशकार का वायरल ऑडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वह सामने वाले को खरीदने की बात कर रहा है। ये मामला गोवर्धन के गांव जचौंदा का है, जहां विगत कुछ दिनों पूर्व गोवर्धन एसडीएम के यहां पेशकार लहरेश व उसके परिजनों का गांव के ही एक अन्य परिवार से झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल रहे थे। वहीं उस झगड़े में दोनों तरफ से कई लोगों को चोटें भी आई थी और दूसरी पार्टी पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। वहीं अब उसी मामले में एक लहरेश का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सामने वाली पार्टी के फोन पर खरीद लेने व देख लेने की बात कही जा रही है। वहीं पीड़ित श्याम चौहान ने बताया कि लहरेश एसडीएम के यहां पेशकार है, इसीलिए वह अपने ओहदे का फायदा उठाकर दबंगई करता है। अब देखना होगा कि इस ऑडियो के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है। ऑडियो हाँ, मैंने ही फोन में रिकॉर्ड किया है। एक लहरेश कुमार हैं, जचौंदा के निवासी, गोवर्धन एसडीएम के यहाँ वो हैं, पेशकार हैं वो, और उन्होंने दो दिन पहले डेली दारू पीकर के आते हैं, गाली गलौज करते हैं। पता नहीं कोई पुरानी रंजिश मानते हैं मुझसे, और गाली गलौज किया उन्होंने, फिर फ़ोन भी किया मेरे पास, और जो हमारे पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं, उन नौ घर हैं उनके भाई लोग, उन सभी को पैसे से तोलने की बात कहते हैं। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और वो सब किसी को मोहल्ले में, अब उसके उत्कृष्ट से सभी लोग, पूरा मोहल्ला परेशान है। आए दिन रोजाना गाली गलौज करना, दारू पी करके आना, किसी को पैसे से उसे नीचा दिखाना, रावण का सा अहम हो गया है उसके अंदर। एसडीएम के एक पद का वो गलत दुरुपयोग करता है। उस ऑडियो के बाद आपके रिश्तेदार के साथ में क्या घटना घटित हुई है और प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई कर रहा है? जी, एक ऑडियो दो दिन पहले हुई, दो दिन के बाद मैं एक बाहर था किसी काम से, राशन की दुकान पर मैं राशन बांट रहा था राधाकुंड, तभी मुझसे पीछे घटना हुई, तो मेरे दो तीन लोग जो पारिवारिक रिश्तेदार हैं उनको उन्होंने घेर लिया, और उन्होंने पहले से ही उन्होंने उसको उन्होंने को उनको घेर लिया, हमारे पारिवारिक रिश्तेदारों को, और उन्होंने पीछे से डंडा लाठी इनसे प्रहार किया, धार धार हथियारों से उन पर वार किया है।